वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की ओर से पेश किए गए बजट से पूर्व अनुमान था कि सरकार के इस बजट में चुनावी राज्यों के लिए सौगात होने की संभावना है, खासकर उन किसानों के लिए जो 3 कृषि कानूनों को लेकर सरकार पर निशाना साधते रहे हैं। 1 साल से ज्यादा वर्षों तक चले किसान आंदोलन से सरकार पहले ही बैकफुट पर है। ऐसे में सरकार ने इस बजट में किसानों के लिए कई योजनाओं का पिटारा खोला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अपने बजट भाषण में किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है। सरकार ने किसान आंदोलन के केंद्र में रही MSP को अब सीधे किसानों के खाते में भेजने का ऐलान किया है। इस सत्र में 163 लाख किसानों से 1208 मीट्रिक टन गेहूं और धान खरीदा जाएगा। बजट भाषण में सीतारमन ने कहा कि MSP के जरिए किसानों के खाते में 2,37,000 करोड़ रुपए भेजे जाएंगे। Agriculture, the procurement of wheat in Rabi 21-22 and the estimated procurement of paddy in Kharif 21-22 will cover 1,208 lakh metric tons of wheat and paddy from 163 lakh farmers and 2.37 lakh crores will be the direct payment of MSP value to their accounts. वित्त मंत्री ने कहा कि कीटनाशक मुक्त खेती को बढ़ाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। गंगा के किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में इसके पहले चरण की शुरुआत की जाएगी। किसानों को डिजिटल और हाईटेक बनाने के लिए PPP मोड में नई योजनाएं शुरू की जाएंगी, जो किसान पब्लिक सेक्टर रिसर्च से जुड़े हैं उन्हें फायदा होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि साल 2023 को हमने मोटा अनाज वर्ष घोषित करने का फैसला लिया है। बजट भाषण के दौरान सीतारमण ने केन बेतवा नदी जोड़ने की परियोजना की घोषणा की। ये परियोजना 44,000 करोड़ की लागत से शुरू की जाएगी। इससे 9 लाख किसानों को लाभ होगा। देश के 80% किसान छोटे किसान हैं, जिन्हें सरकार ने लाभ पहुंचाया है। देश के 8 करोड़ से ज्यादा किसानों को 1 लाख करोड़ से ज्यादा धनराशि दी जा चुकी है। वैसे देखा जाए तो देश की इकोनॉमी में खेती किसानी का योगदान लगातार कम हो रहा है। 1951 में ये 51% था, जो 2020 में घटकर 14.8% रह गया है। हालांकि भारत की 58% आबादी की आजीविका का प्राइमरी सोर्स अभी भी कृषि ही है। ब्यूरो रिपोर्ट।